सीधी से बड़ी खबर ये बता दें कि सीधी के रामपुर नैकिन में विकास कामन खातिर 2,37,00,000 रुपया के विकास कामन के भूमि पूजन कीनगा। हमें बता दें कि शिलान्यास कीनगा इस दौरान और जहां सामुदायिक भवन और सीसी रोड खातिर या जो है निर्माण काम के शिलान्यास कीनगा हवे। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सर्वजन का प्रणाम कहते शुरू करे थे। बड़ी खबर से बता दें कि नगर पंचायत रामपुर नैकिन में बुधवार शाम के कई एक विकास कामन के शिलान्यास कीनगा। लोगन का पक्की सड़क के साथ अब सामुदायिक भवन खलाई है मिली, जहाँ छोट मोट कार्यक्रम जो है आयोजित की जाए ही। बता दें कि चुरहट विधायक सरदेन्दु तिवारी के द्वारा एकावन के भूमि पूजन कीनगा है। चुरहट विधानसभा के अंतर्गत नगर परिषद रामपुर नैकिन के अलग अलग वार्डन में कुल मिला के 2,37,00,000 के लागत से निर्माण कार्य हो के बड़ी बात कही गई है। बता दें कि विधायक द्वारा वार्ड 1 के मुरतला तालाब से लेके राम रहीस के घर तक 34.73 लाख रुपया से निर्मित हो वाली PCC सड़क के निर्माण, वार्ड 2 में मढ़ावल नदी से पलैया पहुँच मार्ग तक 10,03,000 रुपया के लागत से सीसी सड़क, वार्ड चार में गड्डी रोड से गैस एजेंसी तक 29,77,000 रुपया की सीसी सड़क और वार्ड 4 में न्यू बस स्टैंड में 43,35,000 रुपया के लागत से संपन्न होने वाले पेवर ब्लॉक के काम। वहीं अगर वार्ड 7 की बात की जाए तो वहाँ मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत सजहा तिराहा से लेके मॉडल स्कूल तक के 75,20,000 के सड़क के लागत से बता दें कि सीसी सड़क के निर्माण के काम, और वार्ड 9 में 10,63,000 रुपया के लागत से बने वाले सामुदायिक भवन निर्माण कामन के शिलान्यास देंगे। हमारे सीधी के रामपुर नैकिन क्षेत्र के जनता का या बड़ी सौगात दीन जाला है, जहाँ सामुदायिक भवन के साथ साथ आवागमन बेहतर बनावे खातिर या सीसी सड़क के ढलाई शिलान्यास केंद्र है। तो दे इजाज़त रखिए आप और अपने परिवार के साथ।